राजनीतिक तल्खी और कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष विपक्ष की खींचतान के बीच हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र के आखिरी दिन लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग बिल में पूंजीपतियों को नियमों में छूट दिए जाने से नाराज विपक्ष के सदस्यों ने सदन में काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया। शीतकालीन सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 दिनों तक चले सत्र में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई विषयों पर विपक्ष की ओर से सुझाव भी आए तो कई विषयों पर विपक्ष ने विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र सौहार्दपूर्ण माहौल में चला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी के तहत किए गए कई प्रावधानों को शामिल किया है। यही कहना चाहता हूं कि विधानसभा का हमारा शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। कुल 6 सीटिंग जिसमें हुई और मैं समझता हूं कि शुरू के 2 दिन को छोड़ करके अवरोध समाप्त हो गया था और प्रश्नों के उत्तर दिए गए जो पूछे गए सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से, और उसके साथ जो जो भी सार्थक चर्चाएं वहां पर माननीय सदन में माननीय सदस्य द्वारा लाई गई थी नियम के अनुसार, उन सभी चर्चाओं पर चर्चा होने के बाद उनका उत्तर दिया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छे माहौल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है ये सत्र आज समाप्त हुआ है। बिल का भी पारण हुआ जिसमें जीएसटी का भी और उसके साथ एमएसएमई का भी उसमें बिल का पारण हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है जहां महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई वहां स्वाभाविक रूप से विपक्ष की ओर से सुझाव आग्रह और कुछ जगह विरोध, ये सारी चीजें स्वाभाविक होती है। मैं समझता हूँ उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार इन सारी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा ये सत्र हुआ, अच्छा बिजनेस इसमें हुआ है और मैं सभी यहाँ धर्मशाला वासियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जनता से भी मिलना हुआ, जनताओं की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से जो हम कर सकते थे वो भी बातें हुई, कैबिनेट भी यहाँ पर हुई। और आने वाले समय में शीतकालीन प्रवास के दौरान फिर हम धर्मशाला में यहाँ पर कुछ वक्त के लिए प्रवास पर आएंगे।